अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है, खैरियत से हैं। मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे बहुत इजी रेसिपी है, आसानी से बन जाएंगे, वो बना रही हूँ। तो आप लोग ये देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। चलिए मैं आपको तरकीब बताती हूँ। धनिया, देखिए पुदीना, ये पुदीना है ना, आधी गड्डी ले लेंगे, ठीक है। और धनिया भी माशाल्लाह बहुत है बड़ा, तो धनिया भी कम से कम इतना जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से कर ले मैंने। तो ये आलू लिए मैंने, कम से कम 4 या 5 आलू लिए, उसके मैंने पीसेस कर दिए उबाल के, और 3 हरी मिर्ची, और थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि आलू अच्छे हो जाते। नमक हसबे जाएगा, साबुत धनिया 1 चम्मच, आधी चम्मच अजवाइन, लाल मिर्ची अपने हिसाब से डाल दें या कुटी मिर्ची, लाल मिर्ची 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्ची 1.5 चम्मच है और चाट मसाला 1 चम्मच, और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधी चम्मच हल्दी। अब इसको मैं मिला रही हूँ। हाँ, ये देखिए व्यूअर, मैंने आलू में जो मसाले बताए थे स्पाइस में ला के मिला दिए। अब ये थोड़ा सा मैंने फीका रखा है, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। सही बेल के आटा मैंने गूंदने का आपको तरीका बता दूँ। नमक डाल के सफ़ेद आटा गूंद लें गर्म पानी में, और ये जब भी पराठे बनाए ना इसके बहुत अच्छे बनते हैं। मूली के, आलू के, मेथी के पराठे बताऊँगी मैं आपको, मेथी के पराठे हैं बीच में, गोभी के पराठे मैं आपको सब बताऊँगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियाँ बताऊँगी। इसमें आलू रखना बहुत स्पाइसी बनाया है, मज़ेदार, केचप, चटनी, दही। रात है तो दही नहीं खाया, वरना दिन हो तो दिन में दही खाने, रात को वैसे भी दही खाना नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसमें स्पाइसी हो गया ज़्यादा, इसमें हल्का ही हो गया, ज़्यादा भरेंगे ना ओवर हो जाएगा। बस बड़ी भी हो गई रोटी, अभी इसको बिल्कुल माशाल्लाह इतनी जल्दी तैयार होगी और इतने मज़ेदार क्रिस्पी पराठे आलू के बनेंगे। क्या आप हाथ से कर लें, ये करके आप बेलन से कर लें, बिल्कुल हल्के आप हमारे लिए भी मैंने पलट दिया तक रहे हैं। अब ये लाल होने वाला है और इसमें मैं घी डाल, ये डालूँगी जो माशाल्लाह जो फूलेगा अपने हिसाब से डालेंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ना तो फूलेगा। देखे माशाल्लाह जो खुशबू आ रही है ज़बरदस्त किस्म की, वाह 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 वाह, मिल चाह रहा है खाते जाओ ये पराठे आलू के, वाह वाह। अभी मैंने पलट दिया, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की शक्ल आई है इसकी, क्रिस्पी पराठा तैयार। चटनी, केचप,
बहुत किसी भी किसी से खाए, चाय से खा लें, बहुत मज़ेदार पराठा तैयार है। तैयार हो गया है तकरीबन, ये मैंने खूबसूरत शेप में बनाए हैं। ये देखिए ये बस तकरीबन ये तैयार हो गया है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शक्ल आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तआला शुक्र है। अब आपकी मर्ज़ी जैसा भी शेप दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गए हैं आलू के पराठे। आप मैंने मूली के पराठे के साथ जो चटनी बना के खिलाई बनाई थी और खाई थी, तो वही वाली चटनी आप लगा लें या केचप है किसी के साथ भी खा लें, और वाह क्या मज़े हैं। अब मैं आपको खा के बताती हूँ, ये देखिए बड़ा मज़े का, वाह वाह स्पाइसी मज़ा आ गया। चलो अच्छा व्यूअर, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।